हेलो स्टूडेंट्स, तो आपको देख रहे हैं UPPCS का परीक्षा जो 14 मई 2023 को हुई थी, उसका आपको पूरे 150 क्वेश्चन जो आपके जनरल स्टडीज़ पार्ट वन में आए थे, सारे 150 क्वेश्चन का आपको आंसर दे रहे हैं। अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो तीन चार क्वेश्चन जो हैं आपके, वो डिस्प्यूट वाले हैं, क्योंकि नेट पे कुछ और शो करता है, बुक्स कुछ और बताती हैं, तो जिसमें कन्फ्यूजन है वो हम खुद ही आपको स्टार लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए, 150 क्वेश्चन है टोटल, जल्दी से मिला लीजिए। देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, आपको फट से हम बताएंगे क्या है। यह है केंद्रीय बजट 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के युवाओं को जो प्रदान करने के लिए है, उसमें कितने अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं, हमने आपको बैक में बताया भी है ना। ये कुछ क्वेश्चन हम आपको आंसर दे भी चुके हैं, ठीक। तो फिर भी हम इसमें पूरा से ले रहे हैं। इसमें आएगा डी में है ना, 30 अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्पेयर बुक्स कहाँ लिखी गई, किसने लिखी है, ये लिखी है आपकी हैरी ने, ठीक। ये भी बता चुके हैं आपको, बी। कुछ क्वेश्चन का आंसर हमने आपको दिए हैं, प्रिंस हैरी ने लिखी स्पेयर। अच्छा, अगला क्या है, संसाधन के उपयोग, भविष्य के संरक्षण की आवश्यकताओं के पूर्ति को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सतत विकास। सतत विकास, डी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। नीचे क्या है, अगला चार नंबर में देखिए, नीचे है राष्ट्रपति संसद का भाग है, अभिकरण है और कारण है, संसद के दोनों भागों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। चार नंबर में आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, और ए और आर की सही व्याख्या किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। पांच नंबर है, मिलिंद पन्नू राजा बौद्ध भिक्षु के मत संवाद, इनाकसेन बता भी चुके हैं आपको, ठीक है। सारे क्वेश्चन बताएंगे, सब कवर करेंगे इसमें आपका, ठीक। और अगला है छः नंबर में, कौन सा कथन सत्य है, इसमें आपका सिक्स नंबर वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, फिलहाल हम आपको ए ऑप्शन मान रहे हैं, ठीक। ए वाला, इसमें ए और सी भी हो सकता है, ठीक। इसमें ए है क्योंकि इसमें कई जगह ये भी दिया हुआ, ए और सी, तो ठीक, स्टार इसमें बना देते हैं। इस पर इस क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे, जो डिस्प्यूट वाले क्वेश्चन हैं हम आपको वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेवन नंबर में देखिए क्या है, सेवन नंबर में आपके एल्यूमिनियम से क्वेश्चन आया था, इसका है आपका बी ऑप्शन है, ए और एक और दो दोनों हैं, ठीक। एलिनो में बी है ऑप्शन, एक और दो। आठ नंबर में इसमें आपका क्या है, इसमें स्वतंत्रता, महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो संबंधित नहीं है, तो कौन संबंधित नहीं है, आठ नंबर में आपका डी संबंधित नहीं, ये शांति घोष जो है भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित नहीं है, डी ऑप्शन, डी लिख देना, डी, ठीक, शांति घोष लीजिए। माउंट न्यूमैन किस खनिज के लिए, तो इसमें सात नंबर है, एस्क, लौह एस्क के लिए प्रसिद्ध है माउंट न्यूमैन। नेक्स्ट क्या है, 25 दिसंबर 2012 को किस देश ने जन्मे पुरुषों के लिए एक वर्ष की सैनिक सेवा, कितने अनिवार्य की है सैनिक सेवा, ये बता भी चुके हैं आपको हम, फिर सब और क्वेश्चन कवर कर रहे हैं तो सब बताएंगे आपको, ठीक है, दोबारा बता देंगे। आठ नंबर ताइवान ने हम जरूरी कर दिए। ग्यारह नंबर में क्या है, ग्यारह नंबर में हमारा सही विकल्प है डी, ए और एक और बी दोनों, ये भी है और ये भी है, यानी ए वन भी है और प्लस टू भी है, ठीक, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए शक्तियों के संबंध में, ठीक। अगला देखिए क्या है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश के क्रांति का नेता कौन है, ये तो फिर के बिल्कुल क्लियर है, अब खान बहादुर खान है, बी है ऑप्शन, ठीक, बी। जो कन्फ्यूजन होगा खुद ही हम बता देंगे, जिन क्वेश्चन में डिस्प्यूट होगा। तेरह नंबर में आपका क्या आएगा, तेरह नंबर में आपका आएगा ए ऑप्शन, ठीक, ए आएगा तेरह नंबर। देखिए, तेरह नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसको भी हम स्टार लगा देते हैं, ठीक है, डिस्प्यूट में क्वेश्चन है वैसे, अगर क्योंकि इसमें डेटा जो है वो अलग अलग मिल रहे हैं, तो इसमें अब तेरह नंबर मेले में आप ए या बी में से कुछ भी हो सकता है, जो या तो ए हो या तो बी हो, ठीक है, स्टार इसमें लगा देते हैं। ये भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो डिस्प्यूट वाले हैं, जैसे छः नंबर था, तेरह नंबर डिस्कस करेंगे। चौदह नंबर वाले देखिए, चौदह नंबर में आपका सी होगा ऑप्शन, एक और वन और टू, पोप बेनेडिक्ट 16 जिनका निधन हुआ उनके संबंध में ये भी हैं, एक है दोनों जर्मनी के थे और 600। अगला है, गैर परंपरादी ऊर्जा के स्रोत कौन है, ये आपका डी होगा, नवीनीकरण होते हैं, डी ऑप्शन है, नवीनीकरण है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे स्रोत है। अगला है, नेपाल में जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उस एयरलाइन का नाम बताना था, इसमें है यति, YETI है, ठीक है, सॉरी मिस्टेक से भाई, हमने नेपाल बता दिया था इससे पहले में, हमने बताया ना, तो डी है इसका राइट आंसर जो है यति एयरलाइंस है। अच्छा, टप्पा शैली से संबंधित कौन है, आपका मोहम्मद शाह है, सी ऑप्शन सही है, टप्पा शैली से मोहम्मद शाह से। सुदर्शन पहार सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ था, तो ये अभ्यास हुआ था डी, राजस्थान में हुआ था, डी ऑप्शन सही है। अगला है,
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका फिर आपको मैच करना था 29 नंबर क्वेश्चन में, 19 नंबर में आपका ए है, बता भी चुके हैं आपको, ठीक ए है, ए ए ए ऑप्शन है, तो ये आपका है ए का पहला, चौथा है, बी का तीसरा है, सी का दूसरा है, मैच कर लीजिएगा आप, ठीक ए ऑप्शन अपनी बुकलेट से, ए ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन में, 20 नंबर क्वेश्चन में आपका डी है, क्या आंसर है, डी, 20 नंबर में आपका हो जाएगा डी, केवल ए, केवल ए हो जाएगा, केवल ए है, दो नहीं है ये, ठीक, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, ठीक। भारत के महान न्यायवाद दिवस से संबंधित जो प्रश्न आया था उसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। अच्छा चलिए अगला देख लीजिए, 21 है, क्या है 21, इसमें है आपका अभिकरण बताना है और कारण बताना है, इसमें आपका ऑप्शन जाएगा ए तो सत्य है, देखिए ए, ये जो है ना ए तो सत्य है, आपका सही है, किस नंबर का डी है ना, किंतु आर गलत है, देखिए ये बात अगर पढ़ेंगे, अभिकथन तो सत्य है लेकिन जनसंख्या वृद्धि से कहाँ संतुलन बना रहेगा, ये तो गलत है, साफ ही साफ बता रहा है धीरे धीरे, ठीक है, तो ये सही है आपका और आर गलत है। अगला क्या है, अगला है कालानुक्रम की दृष्टि में घटनाओं का अंतिम कौन सी हुई, तो कौन सी हुई थी अंतिम घटना, 22 नंबर का आपका सही है ए, मोपला अंतिम हुई थी, मोपला जो है ना विद्रोह हुआ था, आंदोलन ये अंतिम हुआ था। 23 नंबर में देखेंगे हम, ए है, ए ए 23 का ए है, आप मैच कर लीजिएगा, ए है हम लगा दे रहे हैं, देखिए पहले का तीसरा ऐसे कर लीजिएगा, तीसरा है और बी का पहला है, ठीक, और सी का चौथा है, सी का चौथा है, और डी का दूसरा है। ये हमारा प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा उपयोग किया जाए तो किस प्रकार का विकास कहलाता है, ये सतत विकास से दो क्वेश्चन आए हुए हैं, डी है ऑप्शन, कैसा है, डी है ऑप्शन, सतत विकास पर पहला क्वेश्चन था और ये भी सतत विकास ही है, ठीक। अच्छा दूसरी बार किसको मेयर चुना गया है, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को चुना गया है, उसका नाम क्या है, 33 का आपका सी आ जाएगा, किसको, सुनील चोपड़ा को चुना गया है दूसरी बार मेयर, ठीक। 34 का देखिए, 34 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या है, सबसे पहले निम्नलिखित घटनाओं का विचार करिए, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था इसमें, तो आपका सबसे पहले क्या आएगा, चार, ये चार नंबर आएगा, ये आएगा, ठीक, ये एक नंबर पे है, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद ये आएगा, एक नंबर आएगा, ये दूसरा नंबर हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ये तीसरा नंबर हो जाएगा, ये चार, इस तरह से है, तो चार एक दो तीन, दो तीन, ठीक है, ये सही क्रम है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देख लीजिए, सेवाओं के संबंध में आर्थिक संरचना 2003 में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका सही जो नहीं है उसको वो होगा, देखिए इसमें ये क्या है, निम्नलिखित कौन सा पुस्तक कवित्री और पुस्तक का सुमिलित नहीं है, ये भी थोड़ा डिस्प्यूट वाला क्वेश्चन है, स्टार बना देते हैं इसमें आप मिले, क्योंकि कई चीज़ें इसमें हैं जो कन्फ्यूजन वाली हैं, तो इसमें आप लगा लीजिए आप 36 का सी, सी ऑप्शन है, ठीक है, सी फिलहाल हम जहाँ तक खोजे हैं बुक्स वगैरह में नेट पे, सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसको भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे और अच्छे से। अगला क्या है, कैप्टन हॉकिंस के संबंध में कौन सा सही है, कौन सा सही है 37 पर, इसमें देखिए 37 में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है केले में, लेकिन जहाँ तक हमने ढूंढा है आंसर तो आपका केवल 2 सही आ रहा है, डी ये सही आ रहा है, ठीक है, और इसमें दिक्कत है, इसमें ये भी स्टार लगा देते हैं एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें मिल रही हैं, ये सी और डी दोनों ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, ठीक है, कई जगह असल में अलग अलग सोर्स से जब ढूंढा जाता है तो कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन वाली हो जाती है, तो हम स्टार लगा देते हैं इसमें, ठीक है, आंसर खोजना भी बहुत टेढ़ी खीर है। 38 का देखिए, 38 का हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका प्रश्न क्या है 38 का, 38 का प्रश्न आपका पेशवाओं के शासनकाल को आपको सही करना है, ये तो ए सही है, बिल्कुल सही है, ठीक, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें दिक्कत होती है, बाकी तो ऐसे पहला दूसरा चौथा और तीसरा, ये ऑप्शन है, ए ऑप्शन है इसका सही है, पहला है और उसके बाद क्या है दूसरा है, उसके बाद चौथा, ये इनके बाद ये नंबर है, फिर लास्ट में है तीसरा। अगला क्या है, 39 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 39 का बी है, रेगिस्तानों को उनके छोटे से सबसे अधिक विस्तृत तक क्रम करना है, ठीक, रेगिस्तानों पर विचार करने वाला क्वेश्चन आया था, बी आएगा आपका, 39 का क्या आ जाएगा, 39 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला देख लीजिए, थोड़ा टफ क्वेश्चन था अगला, 40 का हो जाएगा डी ऑप्शन, केवल एक और दो, निर्धनता के प्रकार पूछे गए थे ना डी, इसमें इसमें एक है और केवल दो है, 40 का डी है, बाकी ये नहीं है, ठीक, एक भी ये है फॉलो कर रहा है और दो फॉलो कर रहा है। अच्छा अगला क्या है, 41
41 बताया था, भाग दू कौन अधिकारी होता था, भाग दू होता था जुआ विभाग का अधिकारी होता था, ठीक, ए ऑप्शन है इसमें, ठीक, ए ऑप्शन है जुआ विभाग का अधिकारी ए। कौन सी जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ए है ऑप्शन मातृ मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी करना, ए, ये तो बिल्कुल 100% राइट आंसर है। कुछ क्वेश्चंस लगता है दिक्कत वाली, ए है इसमें आप, ठीक है, ए लिखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला इजी क्वेश्चन है, तो रानी झांसी रेजिमेंट थी जो बनाई थी महिलाओं की रेजिमेंट, तो उनका था रानी झांसी रेजिमेंट, बी ऑप्शन सही है, ठीक, बी। नेक्स्ट है आपका 44, लेटराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा सही है, कौन सा सही है लेटराइट मिट्टी के संबंध में, ये है आपका 44 का हो जाएगा सी, केवल एक सही है, ये स्टेटमेंट है, ये गलत है, ठीक, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, सी आंसर सी है इसका, ठीक, सी सी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। कौन सा फिरोज शाह तुगलक के अभिधान के नाशक 300 संस्कृत पुस्तकों का जिसने अनुवाद किया था, किसने किया था अनुवाद, ये है डी ऑप्शन, अजीजुद्दीन खान ने किया था, ऑप्शन डी सही है आपका, डी। 45 का क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए 46 का क्या है, 46 का भी आएगा आपका क्या सही है, 46 में 46 में का नंबर है जो ना आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तक शुष्क रहता है, ए है और बी है, ये आया है ना, ए और बी, अभिकरण और कारण, इसमें आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन, देख लीजिए डी ऑप्शन सही है, मैच कर लीजिएगा, ये ए और आर दोनों ये सही है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, और सही व्याख्या की गई है। पोषण स्तर बनाते हैं, पोषण स्तर वाला क्या है, इसमें डी बनाते हैं, खाद्य श्रृंखला में जीव के संबंध होने से, ये है आपका डी, ठीक, डी सही लिख लिया है इसमें। अगला है संघीय बजट से क्वेश्चन आया था 2024 के योजनाओं के दौरान कौन सा कथन सही है, सही बताना था, 48 का बी हो जाएगा, केवल ये सही है, एक दो वाला गलत है ना, ये पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा है तो आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई, कटौती की गई मनरेगा में, ठीक है, ये सही है, बाकी ये गलत है। पंचायती राज व्यवस्था से है क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति 49 का, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, केवल वन, इसमें भी केवल वन है, ठीक है, इसमें भी केवल वन है, वन द्वितीय नहीं है, वन दो सेकंड नहीं है, केवल वन है, आंसर बी हो जाएगा, बी नंबर आंसर बी, पंचायती व्यवस्था। अगला है प्राचीन भारत के काल के भारत पर आक्रमणों के मिले में कौन सा, बताना था आक्रमण जो किए थे भारत पर उनको क्रम से लगाना था, तो कैसे है, 50 का क्या है, 50 का बी है, यूनानी है, शक का कुषाण है, ठीक, ये सही है, पहले यूनानी फिर शक फिर कुषाण, बी ऑप्शन। फिलीपींस में नारियल और गन्ने की कृषि विकास में किसका श्रेय बजाता है, बताए बताए फिलीपींस किसको श्रेय जाता है नारियल और गन्ने की कृषि में, इसमें आ जाए होगा अपना डी ऑप्शन आ जाए, स्पेन और अमरीकन वासी को जाता है, 51 का डी हो जाएगा, ठीक। अगला है 2 दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड में अगली पीढ़ी धूमपान तक है प्रतिबंध, तो इसमें आप लिख लीजिए 52 में न्यूजीलैंड 2025 तक ना पूरा मुक्त हो जाएगा, वहाँ नो स्मोकिंग जोन, कोई नहीं सिगरेट पिएगा वहाँ, ना पी सकता है, हाँ ठीक। अगला क्या है, अगला है आपका ए ऑप्शन सही है इसका, ठीक, देखिए इसमें क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं इसमें, ये भी सही है, ये भी सही है, और इसकी सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हम ए लिख भी देते हैं। फरवरी 2023 में चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया, ये तो बहुत फेमस घटना है, ठीक है, और क्या, चीतों की आबादी सुधारना, भा दोनों सही, इजी है ये तो, कोई कठिन नहीं था। अगला क्या है, कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमिलित, बताना है कौन सा सही सुमिलित नहीं है, ठीक है, नहीं है बताना है, तो 54 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, ये सही नहीं है, डी हम गोला भी कर देते हैं, लिख भी देते हैं, बता भी देते हैं, ठीक, मिला लेता कि 55 में क्या होगा, 55 का हो जाएगा बी, राज्य निर्वाचन आयोग, अरे पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अगला है 56 का, 56 का हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही, ये डी हो जाएगा, डी, ठीक है, ये हो जाएगा क्या है, ए पहले का तीसरा है, बी का चौथा है, हाँ पहले का तीसरा, ऐसे कर लीजिएगा आप डी का, और आप में क्या है, बी का चौथा कर लीजिए, ठीक, और सी का पहला कर लीजिए, और डी का दूसरा बचा, इसे कर लीजिए, डी ऑप्शन सही है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है, 57 कौन प्रकाशित करता है, ये करता है ऑप्शन नंबर ए प्रकाशित करता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है ना वो सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। 58 में फ्रॉम डिफेंस टू सेल्फ रिलायंस, इसको किसने लिखा, ये आपको 100% लिखा विमल जालान ने,
ठीक है, ये सब तो क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं विमल जालान फ्रॉम डिपेंड टू सेल्फ रेंज, पौधे में जाइलम परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये जिम्मेदार है आपका जल। ठीक, ये 59 का ए, जल जिम्मेदार है। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा बनाना करती है, पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, 60 का डी ऑप्शन है, जल विभाजक कहते हैं, जल विभाजक सख्त, तो उसे कहते हैं जल विभाजक। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, 60 का डी। अच्छा, और क्या है, संस्कृत संसद की संयुक्त बैठक में निम्न में कौन सा सही है, ये बताना कौन सा सही है, तो 61 का क्या कौन सा सही है, आपका सी, सी है, केवल दो सही है, मतलब ये गलत है और ये सही, केवल दो आप ऑप्शन नंबर, ये तो पहले बात तो सी सही है, और सी में ये एफ ए आपका गलत हो गया और दो नंबर वाला सही हो गया। ठीक, ये सही है। 62 क्या है, सतत विकास से आया है, फिर से 2030 तक कब तक लक्ष्य रखा गया है, सतत विकास के अंतर्गत 2030 तक जो है शून्य भू का लक्ष्य रखा गया, 62 का बी, सॉरी ये लक्ष्य रखा गया है, ये लक्ष्य रखा गया है अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अंतरिक्ष अनुसंधान का, सतत विकास के अंतर्गत भारत में 2030 तक अंतरिक्ष अनुसंधान का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, 62 का हो जाएगा बी। अच्छा, चंद्रप्रभा प्रभा कहाँ है उत्तर प्रदेश में, ये है आपकी डी, चंदौली में है, चंद्रप्रभा कहाँ है, चंदौली में। पीएम गतिशक्ति योजना के अंतर्गत बताना है कौन सी बात सही है, तो इसमें आपका हो जाएगा 64 का केवल, इसमें हो जाएगा आपका, ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसमें आपको फिलहाल अगर हम जहाँ तक हम खोजें इसमें तो आप ए लगा सकते हैं। ठीक है, केवल ए, हालांकि डी भी है इसमें, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, डी और ए के बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन है ना, दोनों चीज़ें दी जा रही हैं, तो फिलहाल आप ए को हमारे हिसाब से मान के चलिए, बाकी इसको डिस्कस करेंगे। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के संबंध में, ये तो 100% सही क्वेश्चन है, 10वां देखिए, ऐसे क्वेश्चन हैं जो आराम से हो जाते हैं 2022 में। ग्रीन हाउस उत्पादन के संबंध में भारत का 10वां स्थान है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में। अगला है बस 66 ई वी रामस्वामी नायर के संबंध में बताना है कौन सा सही है, सही बताना है, सही, तो इसमें आ गया आपका ए है, ये ए भी है, उन्होंने हिस्सा लिया था और 1925 में उन्होंने छोड़ भी दी थी कांग्रेस, तो ई वी रामास्वामी नायकर, इनके संबंध में आपका ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों सही हैं। जनसंख्या स्थायित्व, भारत की जनसंख्या को बढ़ने का मतलब कब तक लक्ष्य रखा गया है कि इस तक हम अपनी जनसंख्या को रोक देंगे, इससे आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो 45 तक रखा गया है। ठीक है, इस समय तो भारत नंबर वन हो गया जनसंख्या में, लेकिन 45 तक लक्ष्य रखा गया है, बस अब स्थिर यहाँ तक हो जाएगी, कर दी जाएगी। 68 का ऑप्शन हो जाएगा क्या, कौन सा सुमिलित नहीं है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन है। ठीक, ये आपका ए हो जाएगा, ए। 66 का विषय क्या है, गरीबी उन्मूलन के लिए क्या विषय है, तो उसका है आपका सी था, गरीबी समाप्त करने के लिए बच्चों उनके समुदाय को सशक्त करने के लिए काम करना। ठीक, ये है आपका सी ऑप्शन। ठीक, 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन का जो विषय पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय दिवस का। 70 नंबर का क्या हो जाएगा, आइसोलेट का बीटा सेल कोशिका द्वारा होती है, ये सी है, ये है सी ऑप्शन, इंसुलिन सी ऑप्शन। 71 में क्या है, आपको बताना है बुक्स और उनके विषय में, किस विषय में बताया गया है, तो 71 में आप देख लीजिए ए है, इसका उत्तर ए है, जोड़ लीजिएगा ए, बता देना ऐसे मैच कर लीजिएगा, पहले चौथा है। ठीक है, मीरात तीर सिकंदरी में गुजरात विजय का वर्णन है, फिर बी का दूसरा है। ठीक है, सी का क्या है, सी का पहला है, सी का है पहला, और बचा हुआ डी का है दूसरा। ठीक, ऐसे कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो ये हो रहा है आपका ए, हरियाणा में, कहाँ, हरियाणा में। कौन सा बायो डिग्रेडेबल प्रदूषक है, बायो डिग्रेडेबल प्रदूषक कौन सा है, बताना है 73 में, इसमें उपरालय में हरियाणा आंसर है। हाँ ठीक है, ये था, मिटा दिया था ए।
और 73 में आपका बी है ऑप्शन, कीटनाशक हो जाएगा। कीटनाशक कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, ठीक। 74 में क्या है, ए आएगा आपका आंसर। राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, ए, इन सीटू संरक्षण द्वारा, इन सीटू संरक्षण द्वारा। 75 का देखिए क्या है, जलीय पौधा द्वारा जल प्रावित धान के क्षेत्र जैव उर्वरक के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग होता है। 75 का एजोला प्रयोग होता है, एजोला, क्या बोला, एजोला, ठीक। 75 का बी हो जाएगा। 76 का क्या होगा, क्या पराग बैगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन परत, किस ओजोन परत मतलब किस जो है वायुमंडल के स्तर में होती है। 76 का हो जाएगा आपका क्या, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 217 में से 11 बैठकों के स्थल रूप में शामिल नहीं है, कौन सा समस्या को शामिल नहीं किया गया, कानपुर शामिल नहीं किया गया, ठीक। बाकी शहरों को शामिल किया गया है बैठकों के लिए, ठीक, डी, डी को ऑप्शन। अगला क्या है, नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के प्रारंभ में किस अवधि के लिए सरकारी उद्देश्य से अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति दी गई है, तो कितने अनुमति दी गई है, कैसे कितना, इसका डी है, 15 वर्षों के लिए। ये 15 वर्षों के लिए पहले अनुमति दी गई थी अंग्रेजी को सरकारी कामों के उपयोग के लिए, ठीक, डी ऑप्शन है, 15 वर्ष। निसार उपग्रह के विषय में बताया गया है, किस संगठन को संयुक्त रूप से विकसित किया जाता है, तो इसमें होगा सी, इसरो और नासा के द्वारा। निसार उपग्रह जो है वो इसरो और नासा के द्वारा, ऑप्शन सी। कौन सा बंदरगाह सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है सही सुमेलित, तो ये आपका ये बी नहीं है, देखिए 100% सही है, इमारका चीन में, बाकी ये तो सब सही है, ये सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर पूछा गया था, तो क्या है इसमें, मीरा कुमार है, सी ऑप्शन, महिला प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार। अगला है इसमें, कौन सी सहायक नदी सुमेलित नहीं है, ए है ऑप्शन इसमें, ठीक, प्राणहिता और महानदी, ये सही सुमेलित नहीं है, ए ऑप्शन, 82 का आपका सही सही सुमेलित जो नदियाँ हैं उसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, 83 का है, संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किस नेता ने किया, अच्छा किस नेता ने किया था, तो ये किया था 83 का हो जाएगा आपका सी, इंद्रनारायण द्विवेदी ने किया था, सी, इंद्रनारायण द्विवेदी ने। अगला है आपका, देखिए कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय का कार्यक्रम नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, केंद्रीय प्रोग्राम नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश की है सरकार की योजना है, कौन सा है, वो है गंगा एक्सप्रेस वे जो है ना, ये यूपी गवर्नमेंट का है, ठीक है, इसमें 84 का 8 है, गंगा एक्सप्रेस वे ये यूपी की योजना है। अच्छा 85 का आप देख लेंगे, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 कौन सा सत्य है, देखिए तो आपका बी है, केवल ये दूसरा सही है, ये सही नहीं है, ऑप्शन आपका होगा बी, मानव विकास रिपोर्ट से संबंध में पहला गलत है और दूसरा सही है, तो केवल क्या है, केवल दूसरा सही है, ठीक, 85 का, ठीक, बी। अगला क्या है, 86 में देखेंगे, कौन सा कारक जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, कौन सा कारक महत्वपूर्ण है, तो इसमें हो जाएगा आपका 86 का ए, प्राकृतिक वास का विनाश, ए है ऑप्शन, ठीक, ए हम अंडरलाइन भी कर देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच स्थित नदी का नाम बताना है, 87 इसमें है सी, बताइए कई बार बताया आपको, ठीक है, पिछले वीडियो में बताया था हमने आपको, जो कुछ क्वेश्चन दिए थे आंसर उसमें सी, रियो ग्रांडे, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच की नदी का है रियो ग्रांडे। अगला है आपका, कथन बताना है कौन सा सही है, तो इसमें जानते हैं आप, पहला ये ए सही है, दूसरा गलत है, ये गलत है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी स्थित, नहीं नहीं रामगंगा नदी कन्नौज के पास, ये सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक। अगला है, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य सही बताना है, तो आपका सही है ये ए नंबर वाला सही है, ए, जीडीपी का 3.5 राजकोषीय घाटे की को अनुमति देता है, ए ऑप्शन आपका सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं, ठीक, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा इससे स्टार लगा देते हैं, ठीक, हमने बताया ना 3-4 क्वेश्चन स्टार लगा देना है, इनको अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसमें कायोत्तर विधि भी आ रही है और कई कोई यातना के विरुद्ध इसमें बी सी भी है ढूंढने को मिल रहा है और ये भी बी भी है, तो हम स्टार लगा देते हैं, आप सी और बी में से एक को मान सकते हैं, ऑप्शन तो सी बी में से ही है कोई ना कोई, ठीक है,
प्लीज़ थोड़ा सा आप भी सर्च कर लीजिएगा, अपना अन्य संसाधनों से स्रोत ढूंढ लीजिएगा, ठीक। बाकी इसको डिस्कस करेंगे। अगला है 91, किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार में उत्तर में नदीम जवाई को हटा दिया गया था किसके द्वारा? तो ये देखिए आपका आंसर सी ए है, हटा दिया गया था। आंसर आपका है टैक्स स्कैंडल द्वारा, सी ऑप्शन सी, ठीक। वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया था, टैक्स जो है स्कैंडल के कारण हटा दिया गया था। अगला है 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी किसके, किस अधिनियम के द्वारा? तो इसमें है, इस अधिनियम का नाम है 1919, ठीक है, ए ऑप्शन है आपका। 1919 के अधिनियम द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की व्यवस्था की गई थी, ठीक है, 120 सदस्यों वाले, आप लिख लीजिए, ए भी लिख लीजिए, मिला लीजिए ए। कौन सा एक केंद्रीय बजट 2023-24 अनुमानित आवंटित बजट सही सुमेलित है? सही बताना है कौन सा सुमेलित है, तो ये आपका जानते हैं, ये इसमें सही सुमेलित है आपका सी है, केवल ये सही सुमेलित है। स्वास्थ्य बजट पे देखिए, अब तो स्टेटिक बिल्कुल डेटा पूछते हैं कितने का बजट, देखिए 85,155 करोड़ रुपये जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय को दिए गए हैं स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए आवंटित है, तो सी ऑप्शन है, ये सही है केवल, बाकी गलत हैं। सी ऑप्शन आपका सही है, स्वास्थ्य मंत्रालय को। नेक्स्ट क्या है कौन सा एक अभिकरण है और कारण है, बताना है कौन सा अभिकरण कारण सही है। 94 का है ऑप्शन डी, क्या डी है आपका, डी है, ए और आर सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता, ये भी सही और एक दूसरे की सही व्याख्या की गई है, ये आपका डी सही है। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, ठीक, ये आपका डी सही है, ए भी सही है और आर भी सही है। अगला है संसद के सचिवालय में पदों को निम्नलिखित में कौन सा सही है, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन एक भी और दो, इसमें भी दोनों सही है। 95 में भी आपकी ये भी सही है, संसद के प्रत्येक सदन में सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया सकता है और संसद को अपनी किसी सदन के सचिवालय स्टाफ को सेवा करने का अधिकार होता है, ये भी है, ए भी है सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अच्छा, सीमा समुद्रम और कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है, ये ए, किस लिए, जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है संघ वित्त के संबंध में, देखिए इसमें ऑप्शन आपका 97 होगा, क्योंकि ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं। वित्त आयोग एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, गलत है, यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखेंगे 98, इसका हो जाएगा 98 क्या हो जाएगा सी, क्या है, फरवरी 2023 में भारत सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण का किस स्थान पर हुआ था तुमकुर कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। अगला है खनिज संपदा के संदर्भ में कौन सा सही है, सही है नंबर 99 का हो जाएगा बी, देखिए बी सही है, ए और दो दोनों सही हैं इसमें। खनिज संपदा के संबंध में देखिए जम्मू कश्मीर के में लिथियम पाया जाता, ठीक है, भारत अनेक खनिज जो लिथियम निकलकर कोबाल्ट के आयात करने पर करता, ठीक है, 99 का आपका ये भी सही है, एक भी सही है और दो भी सही है, ठीक, बी ऑप्शन सही है। अब 100 पे आ गया, चलिए 100 का हो जाएगा आपका क्या, इसमें क्या है नीति नैतिक तत्व है ना, इसमें बी पर्यावरण का संरक्षण, ठीक, पर्यावरण का संरक्षण। चलिए और क्वेश्चन देख लीजिए, 150 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक। 101 का क्या है आपका, कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है, बताना है कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है, तो देखिए सामाजिक सेवा थी ना, सामाजिक सेवा में कहाँ धन का अर्जन होता है, ये है आपका ऑप्शन, ठीक। अगला क्या है, ये है आपका, अगला क्या है, कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कौन सी उत्तर प्रदेश संबंधित है, इसमें है मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ये ऑप्शन बी है आपका, ठीक, केवल इसमें जो है ना, इसमें ये बी है ऑप्शन, केवल एक ये उत्तर प्रदेश संबंधित है, अनूठी उपहार योजना, ये आपकी उत्तर प्रदेश से किसी योजना, यूपी की कौन सी योजना है, अनूठी उपहार योजना, ये नहीं है, दो तीन चार नहीं है, एक नंबर वाली है, केवल एक, बी ऑप्शन, उत्तर बी। हड़प्पा संस्कृत कैसे पूरी संपादन का निर्णय करता है, कौन करता है, 103 का हो जाएगा आपका उत्तर सी, आलमगीरपुर, ठीक है। 104 का हो जाएगा क्या, बायोडिजिकल
ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए मानक मापदंड है 104 का हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BEO किसके लिए एक मानक मापदंड है, तो किसके लिए है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए, क्या हो जाएगा, ए सही है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं, बताना है रेगिस्तान में क्या नहले क्या कहलाते हैं, इनको कहते हैं मरुद्भिद जानवर, जो रेगिस्तान में आवास करते हैं उनको कहते हैं क्या, मरुद्भिद, ए ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। चलिए और क्या है, भारत की प्रमुख नदियाँ और उद्गम स्थल बताने थे, तो आप ए लगा लीजिए, ए, इसमें ऑप्शन ए देख लीजिए। ए का चौथा है, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। बी का दूसरा है, ठीक ऐसे, और सी का और बी का तीसरा है, एक्चुअली में सी का तीसरा, बी का तीसरा है, ठीक। फिलहाल आप ए ऑप्शन जो है आपका है ये सही है, ठीक, कर लीजिएगा ए ऑप्शन, फिर से कर लेते हैं नारायण, ये ठीक, ए दर्रा, और बताना है कौन सा सही सुमिलित है 107 में, ठीक, दर्रा कौन सा सही है, बी ऑप्शन, नीति दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में, बाकी गलत है। आंसर सही कौन सा, बी सही होगा। निम्नलिखित संगठन दिल्ली में वायुसेना लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले उत्तरदायी था, कौन उत्तरदायी था लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए, उस संगठन का पूरा नाम बताना है, तो उसका अनुशीलन समिति, ये है अनुशीलन समिति ने फेंका था बम। आर्थिक विकास के लिए मानव संसाधन के योगदान के संदर्भ में बताना था क्वेश्चन, इसका हो जाएगा आपका आंसर डी, कौन, दोनों सही, ए और बी, ए भी सही बी भी सही दोनों सही, ठीक है, ए भी सही, ए वन प्लस सेकेंड दोनों सही, ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। अगला क्या है, 110, निम्नलिखित सही उत्तर का चयन करना है, सही उत्तर का चयन करना है इसमें 110 नंबर पर क्वेश्चन पे, तो 110 नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, देखिए सी, सी है ये, इसे मिलान कर लीजिएगा आप, एक से तीसरा, पहले का तीसरा ऐसे कर लीजिएगा, ए पहले का तीसरा, ठीक है, और बी का पहला ऐसे, इस हिसाब से, तो आप सी इसका आंसर सही है, जो सतत विकास लक्ष्य है उसको मिलान कर लीजिएगा। अच्छा, 111 का क्या हो जाएगा, 111 का उत्तर हो जाएगा आपका क्या है प्रश्न, दर्शन प्रचारक पूछा गया है, ठीक, तो 111 का बी सही है, न्याय किसने है, ये गौतम ऋषि ने दिया था, ठीक, ये बाकी गलत है, दर्शन प्रचारक में न्याय किसे मिलते थे, गौतम दीजिए। खरीतादार कौन था, बताना है, खरीतादार था आपका ऑप्शन नंबर क्या, डी, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, ठीक है, डी ए है, डी, परमाणु को भेजने वाला अधिकारी क्या था, खरीदादार। किस स्थान पर अलकनंदा में भागीरथी मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, 113 का ए, देवप्रयाग, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, देवप्रयाग में, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में। चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पावर्टी, 114 नंबर, डी, मुन्नार मंडल ने लिखा, ये पुस्तक किसने लिखी, मुन्नार मंडल ने, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पावर्टी। अच्छा, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 2021 से किससे संबंधित है, 2021 संबंधित है, 115 का हो जाएगा सी, सतत विकास से, बहुत आया सतत विकास शब्द, ठीक है, तो रियो शिखर सम्मेलन 2021 का एजेंडा 2021 संबंधित है सतत विकास से, सी है ऑप्शन। अगला देखिए, अच्छा, 116 क्या है, 116 है आपका कि केंद्रीय बजट 2024 कुल पर्याय में कौन सा कथन सही नहीं है, बजट से क्वेश्चन आए हैं एक उससे पहले भी, 116 का सी ये सही नहीं, सब्सिडी 9% ये सही नहीं है, ठीक, बजट में। जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण निम्नलिखित में कौन किस वर्ष बनाया गया था, ये कब बना था ये पूछा गया है, रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिनियम, तो इसमें ये बना था 1974 को बना था, ठीक, ये सब इसमें 1974 को बना था, ठीक, तमाम जगह आपका ऑप्शन 1970 भी दिया हुआ है, लेकिन हमने जहाँ तक खोजा है ये आप सी आपका आंसर सही होगा, ठीक, 1974 को खोजा गया, ठीक, बाकी इसको भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन हम स्टार लगा देते हैं, आप देख लेना। मानव हृदय कितने चैम्बर का बना होता है, कितने चैम्बर का बना होता है मानव हृदय, तो ये आपका बना होता है आपका ए, चार चैम्बर होते हैं, ठीक है, 118 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है, ये है आपका डी, ठीक। एक अगला क्या है, भारत में G20 प्रतीक चिन्ह में लिख में कौन सा सही है, तो कौन सा सही है बताना है, कौन सा सही है, 120 का आपका ए सही है, ए और बी दोनों सही है, ठीक है, ये ए भी है डी भी है, उत्तर क्या हो जाएगा ए।
G20 प्रतीक चिन्ह के संबंध में आया था ना, तो ये भी सही है। प्रतीक चिन्ह में सात पकड़ो अला कमल है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। ठीक है, पुराणों के संबंध में देखिए क्वेश्चन आया था 121 का, इसमें है केवल एक सही है। पुराणों संबंध जो आया था विष्णु पुराण में मौर्य की जानकारी मिलती है, दूसरा वाला नहीं सही है। ठीक, केवल एक सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, केवल ए। 122 का देखिए, 122 का हो जाएगा क्या, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, 122 का सी ऑप्शन हो जाएगा। वगीर नाम क्या था, INS वगीर, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी है सही है, INS वगीर 100% सही है। अगला देखिए 123 वाला क्या है, 123 का है बी, 123 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्राम सभा के संबंध में ना, इनकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, केंद्रीय द्वारा नहीं होता है, ग्राम सभा ये राज्य सरकार का विषय है ना। तो आपका ए सही है, सी सही और डी सही, क्या सही नहीं है ना, नहीं पूछा गया है, बी है आपका, केंद्र सरकार द्वारा नहीं होता, ये गलत है आपका। ठीक, तो ऑप्शन गलत नहीं पूछा गया ना, तो बी आ जाएगा। फरवरी 23 में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन की पहचान की गई है, अच्छा कितने की पहचान की गई है, आपकी की गई है 149 लिख देते हैं हम नंबर है। ठीक, उत्तर आप लिख लीजिए डी। 125 देखिए, इसमें है ए। फरवरी 2023 में करंट अफेयर क्वेश्चन है, करेंसी नोट में ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है किस देश ने, ऑस्ट्रेलिया जो है ब्रिटिश राजशाही को हटा देगा अपने नोट से, 2 फरवरी 2023 को हटा चुका है बल्कि ऑस्ट्रेलिया। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको हम स्टार लगा देते हैं। 126 देख लीजिएगा आप, इसमें तो बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। ठीक है, दो ही में से है, या तो बी है या तो सी है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक, बताएंगे बाद में खोज कर। और 127 का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक रेशम का एक घटक नहीं, घटक प्राकृतिक रेशम का एक घटक पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशम का घटक, सी नाइट्रोजन, ये तो सही है, इसमें तो कन्फ्यूजन, सी है नाइट्रोजन है आपका। अच्छा, समुद्री शैवाल किसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं, समुद्री शैवाल किसके लिए, आयोडीन के स्रोत हैं, आयोडीन से समुद्र से नमक मिलता है। ए, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संबंध में कौन सा सही है, संसद में जो है उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व है, तो इसमें आपका सही हो जाएगा 129 का ऑप्शन हो जाएगा सही आपका डी, ये भी सही है। क्या सही है, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सदस्य उत्तर प्रदेश में जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य जाते हैं और राज्यसभा से के लिए 31 सीटें, तो दोनों सही ना, ए और बी दोनों, डी ऑप्शन लिख लीजिए। चलिए, झील और दर्रा कौन सा सही नहीं है, 130 का बताना है कौन सा सही नहीं है, इसमें बी है ओनेगा, बी ऑप्शन आप जोड़ लीजिए। ठीक, बाकी सही है, ओनेगा और कनाडा संबंधित जो प्रश्न है ये सही नहीं है, ये जो दर्रा है ना। 131 का क्या हो जाएगा, 131 का हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है बताना ना, तो इसमें सी हो जाएगा। 131 का लिख लीजिए सी, हमीदा बानू बेगम अलाउद्दीन खिलजी, ये गलत है, हम अंडरलाइन भी कर देते हैं। 132 का हो जाएगा आपका क्या प्रश्न है, सामाजिक प्रगति के लिए TRTM कौन सामाजिक प्रति के तीन स्थानों पर है, तीन स्थानों पर सामाजिक प्रति कौन है, 132 का, 132 क्या हो जाएगा, 132 का हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, 132 का उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ए, पांडुचेरी लक्षद्वीप और गोवा, पांडुचेरी लक्षद्वीप और गोवा। ठीक है, डीकिन, नेक्स्ट है क्या, डीकिन विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, तो आपका सही हो जाएगा ये बी, बी सही है, केवल ए, ये सही है, केवल ए, ये सही नहीं है। ठीक, तो उत्तर क्या हो जाएगा, डीकिन विश्वविद्यालय से के संबंध में, तो डीकिन विश्वविद्यालय संबंध में केवल एक पहला सही है। नोबेल गैस कौन सी नहीं है बताना है, ये सी जो है ना, इसमें आपका आंसर हो जाएगा नोबेल गैस कौन सी नहीं है ना, तो इसमें हो जाएगा आपकी नहीं है ना, एक्टिव में 134 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, एक्टिवियम, ये नोबेल गैस नहीं है। अगला है आपका क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2055 वाले वाले ऑल द लाइफ नेवर लिव्ड, अच्छा एक और लेखक पूछे गए हैं, तो ऑल द लाइफ नेवर लिव्ड के लेखक हैं अनुराधा राय, ए ऑप्शन है। चलिए,
136 का क्या है प्रश्न, फिल्म महोत्सव 2023 से संबंधित आया, कौन सा सही बताना। तो इसमें सही 136 का हो जाएगा सी, दोनों सही हैं, ये भी सही है ये भी सही है। ऑप्शन सही कौन सा है, सी ऑप्शन सही है। ठीक, जो फिल्म महोत्सव है 2023 वाला उससे संबंधित प्रश्न आया हुआ है, तो ए वाला भी सही है, एक नंबर दो नंबर दोनों सही है। अच्छा 137 देख लीजिए, जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में, अच्छा पूछा गया है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, तो क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, क्रिस हिपकिंस ऑप्शन नंबर डी। चरक संहिता से संबंधित पूछा गया है, देखिए चरक संहिता संबंधित ऑप्शन है 120 अध्याय हैं चरक संहिता में, किसने, बी ऑप्शन, भारत का प्रथम, इसे बी ऑप्शन ठीक है, चरक संहिता में भारत का नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी एनसीएमबी कहाँ स्थित है पूछा गया है, तो ये स्थित है आपका जामनगर में, हम अंडरलाइन भी कर देते हैं और टिक भी कर देते हैं, लिख भी देते हैं, लीजिए जामनगर। दक्षिण गोलार्ध में हवा की बाई और विभेचित करने को क्या 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 कारण है, 140 का हो जाएगा आपका बी, ये क्या कारण है, करोलिसस बल, ठीक, इस बल के कारण दक्षिण गोलार्ध में हवा का बाई और विभेचित होने का होता है, ठीक, करोलिसस बल है बी नंबर में, नोट कर लीजिए। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, डिप्थीरिया से किस प्रकार का बचाता है, यह होता है आपका सी, 141 का सी, टाक स्क्वाड, ये आपको डिप्थीरिया से बचाता है, इस टीके का नाम है। अगला क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र किसको देख कर संबोधित करता है, तो ये संबोधित करता है आपको राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित करता है, ये हम लिख भी देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो एक न्यायाधीश होता है अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है, राष्ट्रपति। कीटबच्छी कौन सा नहीं है बताना है, इसमें है देखिए, ये कीटबच्छी नहीं है, कीटबच्छी पौधा है, ये कीटबच्छी पौधा है, निटेक निथस ये नहीं है, तीनों नहीं है, ठीक, हम लिख भी दें, नोट कर लीजिएगा, निकटेनथिसिस। अच्छा mRNA वैक्सीन जिसे COVID-19 के विरुद्ध रोका किया जाता है, 144 का क्या हो जाएगा आपका, 144 का उत्तर हो जाएगा सी, ये मॉडर्ना, ये mRNA वैक्सीन है जिसे इस COVID-19 के संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है, इसका प्रयोग सी, मॉडर्ना, नाम भी सुना होगा न्यूज़ में आपने, इसने तो COVID-19 संक्रमण के विरुद्ध कौन है, मॉडर्ना। अच्छा और हंसी वाली गैस पूछी गई है ना, हंसी पैदा जो कौन सी गैस करती है, ठीक है, हंसी पैदा कौन सी गैस करती है, तो ये है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, इसको सूंघने के बाद व्यक्ति हंसता ही रहता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। मतगणना का काल सर्वप्रथम किस किया गया था, मतगणना काल कब किया था गया था, तो देखिए डिस्प्यूट वाला क्वेश्चन है ये भी, इसमें दो आंसर आ रहे हैं, तो अब इसको हम अंडर इसलिए कर देते हैं अंडरलाइन, 146 का इसमें वैसे हमारे हिसाब से ये है, 1872 में पहली बार लॉर्ड रिपिन काल में हुई, उसके बाद 1881 में हुई, ठीक है, तो इसमें भी दो आंसर मिल रहे हैं, तो हम इसको आप हमारे मेरे हिसाब से तो इसमें 1881 होगा, आप इसको सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, भारत में जनगणना का कार्य आप सर्च करेंगे तो उसमें भी दो आंसर मिलेंगे आपको, ठीक, इसलिए हम स्टार लगा देना, इसको देख लीजिएगा। अगला क्या है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है, देखिए नहीं पूछा गया फिर से लास्ट में, कौन सा नहीं, ये नहीं सुमिलित है, डी, ठीक, डी सुमिलित, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, डी ऑप्शन आपका उत्तर होगा, ठीक, क्यों डी इसलिए होगा कि नवी अनुसूची राज्य में स्थानों का इससे संबंधित नहीं है, आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं, ठीक है, ये तीनों सही है, एक बी सी तीनों सही है, और डी सही नहीं है, जब नहीं पूछा गया ना, नहीं, तो डी है। चलिए अगला 148 का क्या होगा, 148 का होगा सी, आप मिला लीजिए, सी मिला लीजिए, पहले अंडरलाइन कर देते हैं सी, ठीक, पुरातात्विक स्थल है और वर्तमान नाम उनके अब क्या है, तो ए का 3 है, ठीक, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 2 है, ठीक, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और क्या कहें, गोल्डन ग्लोब नाटू 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 उसे भी सॉन्ग से देखिए क्वेश्चन आ गया,
डिस्ट्रिक्ट नाटू नाटू, वैसे भी उम्मीद थी कि इससे कुछ ना कुछ आएगा आस्कर वर्ल्ड से, तो ये एम एस की रावानी है आंसर, भी नोट कर लीजिए सही है। राजा एस एस राजामौली फिल्म के डायरेक्टर हैं और इसमें नाटू नाटू सॉन्ग के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार रचना किसने की थी, एम एस की रावानी ने की थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, इसमें क्या है कौन सा सुमेलित सही नहीं है, इसमें विद्रोह पूछा गया ना, तो कौन सा नहीं सुमेलित है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक कर लीजिएगा। चलिए तो जो क्वेश्चन डिस्प्यूट वाले थे वो हम आपको डिस्कस कर देंगे अलग से। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बहुत मेहनत के पश्चात, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उत्तर खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, हाँ कई चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, ऐसा नहीं कि तुरंत आंसर दे दिया, ठीक है फिर भी चार पांच क्वेश्चन रह जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारी इसी इतनी मेन ऐप से है कि हमारी मेहनत को कामयाब बनाएं आप, जो हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, हाँ ठीक। हम डे नाइट क्लासेस, आप नहीं सब्सक्राइब किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे स्टूडेंट्स को भेज दीजिए, ठीक। आपकी हम वीडियो की भी क्लास शुरू होगी, ठीक, वीडियो का है ना 26-27 जून को वीडियो री एग्ज़ाम का, उसकी भी क्लासेस है, तो सब तक हमारा ये जो है पेपर आप पहुंचा दीजिएगा, मैसेज पहुंचा दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ठीक है वायरल कर दीजिए इसको, फिर मिलेंगे, ठीक है। और आपको सी सेट का भी हम देंगे, ठीक है, और एक एक चीज़ बताएंगे, इस पेपर को हम फिर से अंकुर जी बताएंगे, समझाएंगे आपको और डिटेल से अच्छे से, है ना, क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं, एक परीक्षा की संबंधित चीज़ें कभी कभी दूसरे में भी आ जाती हैं, वही क्वेश्चन नहीं उस लेकिन उससे रिलेटेड आ जाती। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।